आज हम बात करते हैं एक ऐसे एलिमेंट के बारे में दैट कैन ट्रूली ट्रांसफॉर्म द लुक एंड फील ऑफ योर होम, दैट इज कर्टेन्स। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं इस वीडियो में ना सब बताऊंगी कि आपको कर्टेन्स किस लेंथ के लेने हैं, किस विड्थ के लेने हैं, ट्रैक्स लेना है, रॉल्स लेना है, क्या कलर लेना है, क्या पैटर्न लेना है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास कर्टेन्स को लेकर सारी जानकारी होगी और फिर आप अपने घर के लिए पर्दे बड़ी आसानी से चूज कर पाएंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतिभा एंड वेलकम टू वॉइड डिजाइन स्टूडियो। हम इस वीडियो को चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये चारों पार्ट्स बड़े ध्यान से सुनना, बिल्कुल स्किप मत करना, कि हमें लगता है हम कर्टन्स तो अपने घर के लिए बड़े आराम से चूज कर सकते हैं, पर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते और उसी में पूरा लुक बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ द कर्टन के बारे में। तो जो कर्टन का विड्थ हम लेते हैं ना, वो एग्जैक्टली विंडो के विड्थ जितना नहीं लेते। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक विंडो है, अब सपोज करते हैं इसका साइज है 5 feet, तो जो हम कर्टन्स इसके ऊपर हैंग करेंगे ना, वो एग्जैक्टली 5 feet विड्थ में नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम 6 inch इधर और 6 inch इधर से एक्स्ट्रा लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, ताकि जब हम कर्टन्स खोलें ना दोनों साइड, तो इस 6-6 inch में वो कर्टन्स आ जाएं, ताकि हमें पूरी विंडो दिखे। और अगर हम 5 feet की विंडो पे 5 feet का ही पर्दा डालेंगे, तो जब हम पर्दे दोनों साइड खोलेंगे ना, तो आधी से ज़्यादा विंडो तो पर्दे ले लेंगे और फिर विंडो आपको छोटी दिखेगी। किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि विंडो एक साइड दीवार से चिपकी हुई हो, तो उसमें हमें 6 inch एक्स्ट्रा निकालने की जगह एक साइड पे नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी साइड पे वॉल है ना, वहाँ पे 6 inch की बजाय 9 inch एक्स्ट्रा निकालेंगे, ताकि हम सारे पर्दे एक साइड कर सके और पूरी की पूरी विंडो दिख सके। और अगर पूरी ही वॉल पे विंडो है, मतलब विंडो के दोनों साइड वॉल है, तो उस केस में तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें पर्दे कहाँ तक एक्सटेंड करने हैं विड्थ वाइज। अब हम ये देखते हैं कि हमें पर्दों की लेंथ कितनी रखनी चाहिए। आपने या तो कर्टेन इस लेंथ के देखे होंगे या इस लेंथ के देखे होंगे, क्योंकि घरों में यूजुअली यही देखने को मिलता है। पर इसमें से कौन सा तरीका सही है, आई वुड से कोई भी नहीं। यूजुअली tier 2, tier 3 सिटीज में ही देखने को ज़्यादा मिलता है। इसमें भी ये सेकेंड ऑप्शन तो बहुत कॉमन है, आई एम श्योर ये तो आपके घर में भी ज़रूर हुआ। ये वाला ऑप्शन तो चलो फिर भी थोड़ा पुराना हो गया। तो एक्चुअली पर्दे कहाँ से कहाँ तक हैंग करने चाहिए, चलिए अब ये देखते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप सीलिंग से अपने पर्दों को हैंग करो और फ्लोर से केवल 1 inch ऊपर या 1/2 inch ऊपर लाकर छोड़ दो। जब हम ऐसे फुल लेंथ पे कर्टेन्स को हैंग करते हैं, तो एक तो कमरा बड़ा लगता है, टॉल लगता है, प्लस आपकी वॉल को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि ऊपर से नीचे तक आपको एक ही एलिमेंट दिख रहा है, दैट इज कर्टेन्स। तो पूरा सीमलेस और लग्जूरियस लुक आता है। तो आप जितना हो सके उतना सीलिंग के नज़दीक जाकर अपने कर्टेन्स को लगाएं। जैसे अगर रॉड लगा रहे हैं तो 2 inch नीचे सीलिंग से अपनी रॉड को लगाएं, अगर फॉल सीलिंग नहीं है तो। और अगर फॉल सीलिंग है तो ऐसे नीच छोड़ दें, ताकि रॉड ऊपर लग जाए और इस केस में तो आपको रॉड भी नहीं दिखेगी। और अगर आप ट्रैक्स लगा रहे हैं, फिर तो वो सीलिंग में डायरेक्टली लग जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर कुछ केसेस में हमारे AC की प्लेसमेंट भी होती है जस्ट अबव द विंडो, तो उसमें कर्टेन्स कैसे लगाएं। उसमें आप AC के लिए कर्टेन्स के आगे एक पेलमेट बना लें और उस पेलमेट के ऊपर अपना AC प्लेस कर दें, और कर्टेन को पेलमेट के पीछे जब आप हैंग करेंगे, जिसमें रॉड या ट्रैक नहीं दिखेगा, तो जब कर्टेन ऐसे पीछे से आते हैं ना, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। फिर भी ड्यू टू एनी रीज़न आप सीलिंग तक कर्टेन्स नहीं लगा पा रहे हैं या नहीं लगाना चाहते, तो एटलीस्ट विंडो की लिंटल से 6 inch ऊपर तो कम से कम रॉड लगाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, विंडो के जस्ट अबव हम रॉड लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। या तो 6 inch ऊपर लगाओ आप कम से कम, या फिर आप जितना सीलिंग के नज़दीक लगा सकते हो उतना नज़दीक लगा दो। तो मोटी मोटी बात यही है कि आपको फुल लेंथ पर्दे टांगने हैं, ऊपर से आप कम से कम छोड़ें और नीचे से आप कम से कम छोड़ें। तो अब ये देखते हैं कि कर्टन को फ्लोर से कितना ऊपर रखना है। वैसे तो आई हैव सेड कि 1 inch या इनफैक्ट 1/2 inch ऊपर भी इज़ गुड इनफ, बट इसमें भी ना 3 ऑप्शन आते हैं। अब हम तीनों को देखते हैं। सबसे पहले आता है ये पडल, जिसमें हम 4 से 5 inch फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि वो हमें कुछ इस टाइप का लुक क्रिएट कर दे। दिस माइट लुक गुड, बट मेंटेनेंस इशू रहेगा, इसमें बहुत जल्दी गंदे होंगे पर्दे। बट ऑफ कोर्स अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्पेस में एस्थेटिक्स के लिए इसको यूज़ करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स किस द फ्लोर लेंथ। इसमें एग्जैक्टली फ्लोर लेंथ तक के कर्टेन्स होते हैं। ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत एलिगेंट लगता है, बट इसमें भी मेंटेनेंस इशू तो है ही।
क्योंकि इसमें भी पर्दे फ्लोर को टच कर रहे हैं और पर्दे नीचे से कंधे होंगे, बट अगर आप मेंटेन कर सकते हैं देन गो फॉर इट। लास्ट है फ्लोटिंग, और ये वही है कि आधा या एक इंच ऊपर अपने पर्दों को फ्लोर से रखो। इस केस में आपके पर्दे गंदे नहीं होंगे नीचे से, क्योंकि वो फ्लोर को टच नहीं कर रहे हैं, तो इसकी मेंटेनेंस इजी होती है, तो आप अपने घर में ये लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्टेन हम रॉड में लगाएं या ट्रैक में लगाएं। अगर तो आप घर नया बनवा रहे हैं या रेनोवेट करवा रहे हैं, आई वुड से कि ट्रैक्स लगा लो। एक बार की इन्वेस्टमेंट है बट लुक फील सब बहुत मस्त आ जाएगा। इस ट्रैक की मूवमेंट इतनी स्मूथ होती है, प्लस इसमें हम ऑटोमेटिक कर्टेन सिस्टम भी लगा सकते हैं। सो ओवरऑल ट्रैक इज अ गुड आइडिया। अगर आप फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो कर्टेन के लिए ऐसे नीश बना दो, लाइक 4-5 इंच रखना अगर सिंगल कर्टेन लगा रहे हो, और 8-9 इंच रखना अगर आप डबल कर्टेन लगा रहे हो, और यहाँ पर ऐसे कोक दे दोगे तो इट विल लुक ब्यूटिफुल। अगर फॉल सीलिंग नहीं है तो नो इश्यूज, ट्रैक सीलिंग्स में डायरेक्टली भी लग जाते हैं। इसमें ये एल्यूमिनियम ट्रैक्स आते हैं और आपकी रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग ही कट हो जाते हैं। फिर जितने कर्टेन लगेंगे उस हिसाब से इसमें रिंग्स डाल देंगे और सीलिंग में स्क्रू और ब्रैकेट की हेल्प से फिक्स कर देंगे। फिर इसमें बस आराम से कर्टेन्स को लगाना होगा। ट्रैक में एक एडवांटेज और मिलता है कि हम इसे एक से ज़्यादा वॉल पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे कर्व्स लगाकर सीलिंग। तो अगर आपकी कॉर्नर विंडो है या आपको पार्टीशन के लिए ऐसे 2 या 3 वॉल एक साथ कवर करना है फॉर सीमलेस लुक, तो वो पॉसिबल है ट्रैक में, बट ये चीज़ आपको रॉड में नहीं मिलेगी। वेयर एज रॉड इज नॉट अ बैड ऑप्शन, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, ये सबने देखा होगा और सबने यूज़ भी किया होगा। इसमें मटेरियल वाइज बहुत ऑप्शंस आते हैं, लाइक वुड, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील एक्सेट्रा। एसएस की रॉड वैसे तो सबसे फेमस है, बट जो वुड है ना उसका लुक भी बहुत सुंदर आता है। तो इसमें आपको जो मटेरियल चूज़ करना है आप अपने घर के एस्थेटिक्स और इंटीरियर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। बस कोई हल्का मटेरियल मत ले लेना, वरना वो कर्टेन का वेट नहीं संभाल पाएगा और ऐसे सैग कर जाएगा। रॉड में भी 2 कर्टेन लगाने का ऑप्शन आता है कुछ इस तरह, जिसमें आप शेयर और ब्लैकआउट कर्टेन को साथ में लगा सकते हो। बस इसमें एक और एलिमेंट होता है जो ये नॉब्स होते हैं जो एंड में लगते हैं टू क्लोज द रॉड। ये भी आप अपने थीम के अकॉर्डिंग ले सकते हो, इंटीरियर के अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट आई वुड से कि इसमें मिनिमल जाना, लाइक आप नॉब्स को बहुत बल्की मत बनाना। हमें इसको हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई छोटा सा बेसिक सा मिनिमल सा ले लेना जस्ट टू कम्प्लीट द एंड। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर रॉड लगाना है और कहाँ पर ट्रैक्स लगाना है। बस ट्रैक्स रॉड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा फीजिबल है और थोड़ा ज़्यादा लग्जरी लुक देता है। नाउ लेट्स सी कि हमें कौन से मटेरियल के पर्दे लगाने चाहिए, या बेसिकली कि मटेरियल में कर्टेन आते हैं और किसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो वैसे अब बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट कुछ मेजर को हम कवर अप कर लेते हैं, जैसे है कॉटन, लिनन, वेलवेट, सिल्क, पॉलिएस्टर एंड श्योर। अब कॉटन कर्टेंस आर वर्सेटाइल एंड ईजी टू क्लीन, बट इसमें रिंकल्स बहुत ईजीली पड़ जाते हैं क्योंकि ये बहुत पतला मटेरियल होता है, एंड इट विल नॉट प्रोवाइड एज मच इंसुलेशन एज हैवियर फैब्रिक्स। नाउ लिनन कर्टेंस बहुत लग्जूरियस लगते हैं, दे हैव नेचुरल टेक्सचर एंड दे ड्रेप ब्यूटिफुली, दे ऑफर एक्सीलेंट फिल्ट्रेशन वाइल स्टिल अलाउइंग सम एयर फ्लो, पर ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और ये मेंटेनेंस भी थोड़ी ज्यादा मांगते हैं। वेलवेट कर्टेन्स एड अ टच ऑफ एलिगेंस इन लग्जरी, ये एक्सेलेंट इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं एंड प्रॉपर ब्लैकआउट होते हैं, बट ये थोड़े हेवी होते हैं, तो इसमें हार्डवेयर हमें उसी के अकॉर्डिंग अच्छे ग्रेड का लगाना है। इसमें मेंटेनेंस मॉडरेट चाहिए होती है क्योंकि ये डस्ट को ईजीली अट्रैक्ट करते हैं। नाउ सिल्क कर्टेन्स आर लग्जूरियस and give a sense of sophistication. ये excellent light filtration offer करते हैं, बस ये थोड़े expensive होते हैं, delicate होते हैं और थोड़ी सी extra care demand करते हैं। फिर जो polyester के curtains होते हैं ये सबसे ज़्यादा durable होते हैं, affordable होते हैं, easy to maintain होते हैं और ये भी proper blackout होते हैं। बस luxury feel इनमें नहीं आता जितने हमारे ऊपर वाले बाकी curtains में आता। वैसे अभी तक हमने जितने मटेरियल्स डिस्कस किए हैं ना उन सबको ब्लैकआउट कर्टेन बनाया जा सकता है। आपको फ्रंट में जो मटेरियल लगाना है लगाओ और पीछे से ऐसी ब्लैकआउट लाइनिंग लगा दो एंड यू आर गुड टू गो। अब बस लास्ट में बचा हमारा शियर कर्टेन। शियर कर्टेन लाइट वेट होता है, सी थ्रू होता है, एयरी होता है,
ये लाइट को फिल्टर करके ऐसे अंदर लेकर आता है जो बहुत सूदिंग लगता है। नाउ लास्ट में वी डिस्कस द कलर एंड पैटर्न जो आपको अपने कर्टन में लेना चाहिए। दो मेनी विल से कि ये तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, अग्रीड, पर चॉइस लिमिटेड है काफी लोगों की क्योंकि दे डोंट नो कि मटेरियल कौन से ट्रेंडी है मार्केट में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो शॉपकीपर्स भी आपको दिखाता है ना, वो रेगुलर स्टफ दिखाता है अनलेस आप उनसे पर्टिकुलर चीज की डिमांड करें। तो अगर आप थोड़ा वेल प्रिपेयर होकर मार्केट में जाएंगे तो आई एम डैम श्योर आप वहां से एक बेटर मटेरियल लेकर आएंगे जो दूसरों से स्टैंड आउट करेगा। तो अब प्लीज ऐसे कर्टेंस तो बिल्कुल मत लाना, ये पूरे घर का लुक बर्बाद कर देंगे। इतने बड़े पैटर्न्स और इतने वाइब्रेंट और वियर्ड कलर्स बहुत आउटडेटेड हैं, प्लस आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे इनसे। पर्दे हम हर साल तो चेंज नहीं करते, इन फैक्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस ये लाइफ टाइम के लिए चलने वाले हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा लो जो टाइमलेस हो, एवरग्रीन हो, जो आज से 10-20 साल बाद भी हमें अच्छा लगे, जो ये तो बिल्कुल नहीं लगने वाले। तो आई वुड सजेस्ट कि सॉलिड न्यूट्रल कलर्स लो, ये दिखने में बहुत सूदिंग लगते हैं और आप बोर भी नहीं होगे इनसे। अब आप ऐसे समझो कि जो आपकी वार्डरोब में जो सॉलिड ब्लैक एंड व्हाइट टी शर्ट है, आप वो कितनी भी बार पहन लो वो कभी नहीं लगेगा कि आपने रिपीट किया है। बट ऑन दी अदर हैंड वही जो आपकी प्रिंटेड या कोई चटक कलर की शर्ट या टी शर्ट होगी, वो दूसरी तीसरी बार पहनने पर ही आपको लगेगा कि अब ये मैंने बहुत पहन लिया। सेम गोज विद योर कर्टन फैब्रिक। कर्टन प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन डिसाइडिंग योर इंटीरियर लुक, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आपकी वॉल का कलर जो भी है उससे एक या दो शेड डालकर यू कैन गो फॉर योर कर्टन कलर्स, वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है वॉल्स के साथ, तो आपको कुछ ऐसा पॉप करके नहीं दिखेगा। अगर आपकी रूम का साइज छोटा है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपका रूम का साइज बहुत बड़ा है एंड यू वॉन्ट टू प्ले एंड एक्सपेरिमेंट विद योर कर्टन्स, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द बोल्डर कलर्स। अब अगर आपकी रूम का साइज 150 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो आप बोल्डर कलर्स में जा सकते हो। आपकी वॉल का जो कलर है आप उससे एकदम ऑपोजिट कलर अपने कर्टन्स में लगा दो, तो वो एक पॉप एलिमेंट आपके रूम में बन जाएगा। इनफैक्ट पैटर्न के केस में भी आई वुड से छोटे रूम में पैटर्न्स मत लगाओ, वरना अगर पैटर्न्स चाहिए तो कुछ सेल्फ टेक्सचर्ड क्लोथ्स भी आते हैं जैसे लिनन या कॉटन में भी आपको मिल जाएंगे। या अगर आपको फूल पत्ती वाले डिजाइन ही चाहिए तो गो फॉर स्मॉलर पैटर्न या डिजाइन, ऐसा लो जो कर्टन के आसपास के कलर का ही हो ताकि वो ज्यादा पॉप ना करे और आंखों को चुभे ना, क्योंकि अगर आप छोटे रूम्स में बड़े पैटर्न्स लगा दोगे तो वो आपको रूम और छोटा लगेगा। तो अब जाते जाते एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं कर्टन के बारे में कि ये नहीं हमने कोई भी उठा के कर्टन कहीं पर भी लगा दिया। हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमें कौन से डायरेक्शन में कौन सा कर्टन लगाना है। अब जैसे ब्लैकआउट कर्टन है वो हमें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, सबसे ज्यादा जो धूप आती है ना और जो चुभने वाली धूप होती है वो आती है आपकी साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में। तो अगर आपकी विंडो साउथ या वेस्ट में है या साउथ वेस्ट में है तो वहां पे आपको जो कर्टन लगाना है वो ब्लैकआउट कर्टन लगाना है। आप शियर कर्टन के साथ भी ब्लैकआउट लगा सकते हैं या आप सिर्फ ब्लैकआउट कर्टन लगा सकते हैं। दूसरा आपको ब्लैकआउट कर्टन कहाँ लगाना है, अगर आपकी विंडो रोड साइड है या किसी भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई भी बाहर का बंदा या आपका नेबर आपके घर के अंदर देख सकता है, आपको वहाँ पे ब्लैकआउट कर्टन लगाना है क्योंकि प्राइवेसी भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना सनलाइट लेना। अब बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। जो नॉर्थ डायरेक्शन से सनलाइट आती है ना वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आती, मतलब नॉर्थ में अगर आपकी विंडो है आपको नेचुरल लाइट तो बहुत मिलेगी लेकिन सनलाइट नहीं मिलेगी, मतलब वो हीट नहीं मिलेगी, हाँ लेकिन आपको नेचुरल लाइट जरूर मिलेगी। तो ऐसी जगह पे ब्लैकआउट कर्टन लगाने का कोई फायदा नहीं है अनलेस वो विंडो आपकी रोड साइड हो या किसी और घर को फेस कर रही हो, तो वहां पर आप आराम से शियर कर्टन्स लगा सकते हैं जिसकी ट्रांसपेरेंसी 30% से 90% के बीच। और ईस्ट में आप ओपेक कर्टेन लगा सकते हैं जिनकी ट्रांसपेरेंसी 15-20% के बीच में होती है, क्योंकि वहां से भी डिफ्यूज लाइट आपको आती है। सुबह सुबह तो बहुत अच्छी लाइट आती है ईस्ट से, लेकिन बाकी थ्रू आउट द डे वहां पे डिफ्यूज लाइट आएगी जो हम ओपेक कर्टेन यूज करके आराम से ले सकते हैं। एंड देयर यू हैव इट, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू चूजिंग कर्टेन्स फॉर योर होम। बस याद रखना वो सारे पॉइंट्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं, बिकॉज राइट कर्टेन्स कैन एलिवेट योर स्पेस एंड टाई एवरीथिंग टुगेदर। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।